हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस महाराजा गेट के बारे में डिटेल देने वाला हूं। इसे हमने आजमगढ़ में लगाया हुआ है। इसकी देखिए विड्थ जो है 9 फीट है और हाइट इसकी 10 फीट है। इसमें हमने दो पार्ट में बनाया था। इसमें एक राइट साइड में मिनी गेट दिया हुआ है, ये वाला देखिए फिक्स था और ये वाला मिनी गेट था। आपको हैंडल की वजह से पता चलेगा। इसको हमने सामने से अल्ड्राप नहीं दिया था, इसलिए डिज़ाइन को पता करना थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें देख लीजिए, अगर इस तरह का कोई भी महाराजा गेट की कैटलॉग चाहिए होगा या कोई वीडियो फोटोज चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। इसमें देखिए, इस तरह का गेट बनाने में आप बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया में छोटे बाजार में या छोटे मार्केट में नहीं मिलता है। इसमें सबसे स्पेशल ये था, ये जो रेडिएटर जो टक सरिया के साथ मैंने पिलर बनाया ना, ये जल्दी पार्ट मिल नहीं रहा था मार्केट में। और इस तरह का गेट जब भी आप कोई दुकान वाले से बनवाए या कोई दुकान वाला बना रहा हो तो इसको एक बात ध्यान रखिएगा, सामने से इसका डिज़ाइन का आइडिया नहीं लगता है जब तक आप गेट के पीछे से नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे ही सारा इसका किस तरह उभार निकालना है और किस तरह को इसको आगे डालना है। ये अगर आप सामने से देख के सोचेंगे कि इसको बना दूँ तो ये आप बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह कभी भी कोई गेट बनाए जब तक अगर आपको इसका फ़ोटो मिला तो आप देखिएगा। हमें भी फ़ोटो मिला था, देखिए इसमें हमने ये 3 फीट का लगाया था, 3x6 का हमने इसमें किया हुआ है। अब मैं आपको इसका अंदर से भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए ये हमने बड़े पल्ले ओपन किए हैं। बड़ा पल्ला ओपन के बाद आपको मैं बैक से दिखाता हूँ। इसमें हमने ध्यान से देखिएगा 2 बूस दिए हुए, जैसे एक साइड में 2 बूस, एक साइड में 2 बूस। हैवी वाले 2 इंच के बूस है, हैवी वेट 2 बूस के भी बूस जल्दी मिलते हैं नहीं मार्केट में। और इसमें सामने नॉर्मली वही अल्ट्राप और फैंसी हैंडल दिया हुआ है, सेम गेट में हमने पीछे से अल्ट्राप दिया है, सामने से नहीं दिया हुआ। और इस तरह का जब भी डिज़ाइन बनाया सर तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी बनाएंगे तो इसका बैक से जब तक आप नहीं देखेंगे आप इसका जजमेंट नहीं लगा सकते, तो ये बात याद रखिएगा। देखिए अभी मिनी गेट भी ओपन कर देते हैं। और ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं जिनका ये मकान है, तो इनसे हमने स्पेशल परमिशन लेके ही हमने वीडियो बनाया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस गेट की वीडियो थी मेरे पास, बट मेरा मोबाइल करप्ट हो जाने की वजह से सारी वीडियो डिलीट हो गई। कुछ फोटोग्राफ थे जो मैंने सर से मांगे थे तो वही मैंने आपको फैब्रिकेशन के डाले हुए हैं, और देख लीजिए इसमें मैंने कैसे उभारा हुआ है। जब तक आप इस तरह का गेट को बैक से नहीं देखेंगे आप बना नहीं पाएंगे। और कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जब भी फैब्रिकेशन करना है तब भी और चाहे आप बनवा रहे तब भी अगर आप किसी को इस तरह का फोटोग्राफ दे रहे हैं तो ज़रूर उसका बैक का भी फोटोग्राफ जरूर दीजिएगा बनाने के लिए, तभी वो बंदा बना भी पाएगा, नहीं तो वो जजमेंट बना नहीं पाएगा। या तो उसको फिर वो गेट दिखवा दीजिएगा, भैया यहाँ मिलेगी। और आपको मैं दिखा देता हूँ ये फैब्रिकेशन करते हुए का देखिए मेरा था, और प्राइमर भी मैंने इनको सर को करके दिया था, देख लीजिएगा। और इस तरह का कोई भी गेट और विंडो की रिक्वायरमेंट होगी या फोटो चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर जी आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया होगा। इस तरह का गेट और डोर मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, मैंने बहुत सारे गेट बनाए बट मैं पहले इसका यूट्यूब चैनल नहीं था इसलिए मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया। मेरी डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर भी वीडियो चलता रहता है। देखिए मैंने ये छोटा गेट भी बनाया था लेकिन इसमें पिलर देखिए दूसरे तरीके का है, और ये इसका बैक साइड का भी देख लीजिए। बैक के देखने के बाद आप ही, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप कभी नहीं तो आप फंस सकते हैं ऐसा बैक से बिना देखे। और ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, अब इस विजिटिंग कार्ड में जो भी जरूरत होगा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देख